किसी से। Hey! Hey, मैं तुझसे प्यार नहीं कर सकती, बोल दिया ना। प्यार व्यार की बातें हम बाद में करेंगे। काले रंग के बारे में क्या बोला था तूने? काले रंग के बारे में गलत बोलती है तू। फ्रेंड्स, हमारे काले रंग के बारे में गलत बोलती है। बताओगे? मेरे लवर है। तब तो ठीक है। क्या तब तो ठीक है भाई? लवर है तो काले रंग के बारे में कुछ भी बोलेगी। अभी इसका नशा उतारता हूँ। क्या कलर कलर की बात कर रही है तू? तेरा कलर ही नहीं, दुनिया में जितने भी कलर हैं उसमें काले कलर की जरूरत पड़ती है। तू जिन आँखों से ये दुनिया देखती है ना, उसकी भी पुतलियाँ काली होती हैं। उसे निकाल दो तो कोई कलर दिखाई नहीं देगा। ए, स्टॉप इट। इतना ही नहीं, भगवान को भी काला कलर पसंद है। सब काली माता बुलाते हैं, किसी को सफेद माता बुलाते हुए देखा है कभी? एक बात और सुन लो, तूने काले का मजाक उड़ाया है इसलिए ये डायलॉग तेरे लिए। तेरा कलर मेरे पैरों के नीचे है, मेरा कलर तेरे सिर के ऊपर है, यही इस काले कलर का लेवल है। स्टॉप इट। आजा बेटा। सुपर भाई, क्या घमंड तोड़ा है गोरे रंग का। काफी है, लड़ाई खत्म हो गई है। आग लगा के अलग मत करो, चलो मुड़ो यहाँ से। लड़ाई खत्म हो गई है, प्यार करें। तू बार बार इसे क्यों छेड़ नहीं रहा तो है? क्या तुझे छेड़ू? आजा। हाय राम। क्या है राम, लड़ाई खत्म हो गई है, चलो। देखो मैं पुलिस बुलाऊंगी। पुलिस को बुलाऊंगी? एक्सक्यूज मी। आ गई पुलिस। तू बुलाने का इंतजार ही कर रहा था क्या? यहाँ पर क्या हो रहा है? लॉक कर रहा हूँ। ये तो मुझे बता रहा है। तुमने पूछा तो तुम्हें ही बताऊंगा ना, और किसको बताऊंगा? उसके लिए मेरी परमिशन लेनी होगी। तो दो परमिशन। दे दी। चलो प्यार करें। सर। ए, क्या मुझे कंफ्यूज कर रहा है, मैं तुझे अंदर डाल दूंगा। सर, गणेश के सामने ऐसी बातें मत कीजिए। कौन है? शिव शंकर का बेटा गणेश। सर, डराने की कोशिश मत कीजिए। ये देखिए। ये क्या है? एनओसी लेटर। एनओसी लेटर? मेरी बेटी को गणेश प्यार कर सकता है, अगर बीच में पुलिस आई तो वो भी अरेस्ट हो सकती है। लाओ, आपकी वजह से नई खबर बन जाएगी। तिरुपति में लड्डू न मिलना पुरानी खबर है, पुलिस का अरेस्ट होना नई खबर बन जाएगी। चलते बनो। ये कैसी फैमिली है तुम्हारी? बहुत अच्छी फैमिली है। तुम जाओ। तुम क्यों माथा फोड़ रही हो? तुम्हारी ये भोली सूरत और मदमस्त चाल, आंखों में लहराता प्यार का समुद्र और गालों से टकराते जुल्फों के बादल जब प्यार से मुझे इशारा करते हैं तो तुम्हारी जुबान से निकलने वाले तीरों से भी तीखे शब्द मेरे इस टूटे हुए दुखी दिल को फूलों की तरह छू जाते हैं और तब मेरा दिल कहता है प्रिया। डार्लिंग। Hey, तूने मेरी बेटी को क्यों मारा? सर, इसने भी तो मुझे मारा था। अरे, इसने मारा तो आप भी इसे मारेंगे, इसीलिए मेरी बेटी से शादी करेंगे। Hey, क्या कर रही है? इसके साथ इतनी इज्जत से क्यों बात कर रही है? Hey, जब तू हमारे सामने हमारी बेटी को मार रहा है तो शादी के बाद क्या करेगा? जा यहाँ से। सर, गलती हो गई। Hey, क्या गलती होगी? चल निकल यहाँ से। अंकल, आपने जो किया वो गलत है। सर, आपने जो किया गलत है। क्या सर पैर कर रहा था? चल निकल यहाँ से। सर, देखिए मुझ पर हाथ मत लगाइए। दामाद बनने आया है। आओ दे दो। दामाद जी का? पापा, मैं भी इन्हें प्यार करती हूँ। मैं जानता था तुम प्यार करती हो, ये बात सबको पता है। तुम अपने मुँह से कबूल करो, इसलिए सबने ये नाटक किया था। कैसा लगा? क्या कहा? नाटक किया था? ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, तुम सब लोगों को नहीं। पहली बार मुझे छूने आ रही हो, पहला टच और पहला किस लंबा होना चाहिए, मैंने सोच कर रखा है। शादी के बाद सुहागरात में मिलेंगे। ओपन, क्लोज। ससुर जी। हाँ हाँ, संभल कर जाना। बाय 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 बेबी। शादी हो गई। सुहागरात में सब अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए, कौन कहाँ से कहाँ जा। सुपर, बैठो बैठो बैठो। पता है अकेले में आवाज सांसें सब कुछ रुक गई थी। सुनो, वो भूत। भूत नहीं है, तुम भूतों से डरते हो, मम्मी पापा बता रहे थे। ऐसी बात है? ऐसी बात है। मुझे ना एक छोटी सी डाउट है। क्या डाउट है? ये सुहागरात रात में ही क्यों रखते हैं? दिन में होती तो कितना मजा आता ना। ये किस तरह का डाउट है? एक और डाउट है, यहाँ पर जो मोगरे के फूल लगे हैं, इनकी जगह पर अगर गुलाब होते तो कितना अच्छा होता। वो किस लिए? वो क्या है, मोगरा भूत प्रेत और आत्माओं को बहुत अच्छा लगता है, उनकी पसंद को यहाँ लगा दिया, उन्होंने आकर हमें डिस्टर्ब कर दिया, तो ये सब किस लिए? हे भगवान, टाइम वेस्ट मत करो, लाइट ऑफ करो। लाइट ऑफ बिल्कुल मत करना। हाँ। ओए, तुम भूल रहे हो कि आज हमारी फर्स्ट नाइट है। तुम्हारे लिए फर्स्ट नाइट होगी,
मेरे लिए तो फर्स्ट लाइट है, उसके बाद ही सब कुछ हो सकता है। पर लाइट जलाकर वो सब कैसे? बिना लाइट के जो कुछ भी हो सकता है वो लाइट में क्यों नहीं हो सकता? लाइट ऑफ नहीं हो सकती, बस मैंने कह दिया। देखो तुम्हें अभी अपना डर भगाना है ना, लाइट ऑफ करती हूँ। मैं लाइट ऑफ करती हूँ, तुम आंखें बंद करो और मुझे कस के पकड़ लो, डर चला जाएगा। चला जाएगा? आंखें बंद करो, अब कस के पकड़ लो, डर चला गया ना। मेरा सेलेक्ट किया हुआ नया बंगला कैसा लगा? ये बंगला नहीं, भूत बंगला लग रहा है। फिर शुरू हो गया ये। ये बेचारा अभी बच्चा है ना। पापा जी ये घर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हर चीज जांच पड़ताल करके ही लेता हूँ। नमस्ते शॉपजी। हाँ नमस्ते। अरे ये जला हुआ आदमी नहीं है, इस घर का गार्ड है, पिछले 18 साल से यहीं पर है। चिकन तंदूरी पर मसाला लगाता है, लेकिन आज ये खुद पर मसाला लगा कर आया है। नेपाल छोड़कर यहाँ आया है। ये नेपाल से आया हुआ नहीं, लगता है शमशान घाट से सीधा उठ कर आया है। अगर यहाँ पर नेपाल का महाराजा भी आ जाए तो भी वो तुझे भूत जैसा ही लगेगा। बिल्कुल, बिल्कुल मुझे तो ऐसा ही लगेगा। इंसान है या भूत ये देखने के लिए इसके पैर आगे निकालने के लिए कहो। ओए इतने बड़े बड़े पैर उन्हें दिखाता क्यों नहीं है? हाँ भाई जरा हाथ दिखाना। हाँ इंसान ही है ये। मेरा बच्चा तुमसे डर रहा है, जाकर गेट पे खड़े हो जाओ। जाओ जाओ तू चल बेटा। मेरे भी पैर है या नहीं देखोगे क्या? मंगल सूत्र बांधने से पहले ही पैरों का साइज देख लिया था, बाकी जो देखना है अंदर चल के देखूंगा। चलो बाहर की सुंदरता तो देख लिया, अंदर की सजावट देख लो, देख कर हिल जाओगे। नमस्ते डैडी, ये कौन है? इस घर के जो मालिक हैं वो MLA हैं। ये उनके दूर के रिश्तेदार है, ये और इसकी बेटी यहाँ पर रहती है। बहुत लाचार है बेचारी, घर के कामों में ये बेचारी हमारी मदद कर दिया करेंगी। डैडी इस घर में सब अजीब अजीब लोग रहते हैं, चलिए कहीं और चलते हैं। ए, अंदर जाओ। सुनो जी आवाज कैसी थी पापा? अरे जी? कुछ नहीं है, मैंने कहा था ना इनकी एक बेटी है, उसके पेट में दर्द उठता रहता है इसीलिए वो चिल्ला रही है। आजकल तुम्हारा बेटा दिन में भी डरने लगा है। ये भूतों जैसी चिल्लाएगी तो वो क्या करेगा, डर के भागेगा ही ना। अच्छा ठीक है बेटी, तुम जाकर गणेश को बुला लाओ। ये सब तुम क्या कर रहे हो, अंदर चलो। क्या कहा, मैं अंदर चलूं? पहले अंदर से जो आवाज आई थी उसकी पूरी डिटेल पूछकर मुझे बताओ, तब अंदर जाऊंगा। पूछ लिया है, उनकी बेटी के पेट में दर्द है, वही चिल्ला रही है। पेट में दर्द है? पेट में दर्द होता है तो मम्मी पापा कह के चिल्लाते हैं, ऐसे करके थोड़ी चिल्लाते हैं। मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं है विश्वास। मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे? नहीं नहीं करूंगा, करता हूँ। पुरानी जगह पर तो सब जानते थे कि तुम डरपोक हो, यहाँ किसी को पता मत चलने दो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी, कौन है डरपोक? मैं किसी से नहीं डरता, मैं तो बहुत हिम्मत वाला आदमी हूँ। अच्छा लड़की के पेट में सच में दर्द था ना? हाँ सच में था। हाँ तो फिर ठीक है, जानो चलो चले। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तुम्हारे बेटे को भूतों से डर लगता है क्या? हम जहाँ रहते थे वहाँ मेरा बेटा एक भूतों को भगाता था। आप आइए जी। भूतों को भगाता था? ऊपर दिखाता हूँ, वहाँ काफी खुली जगह है। ये मेन हॉल है, इधर एक बेडरूम है, वहाँ पर एक बेडरूम है, दोनों में AC लगा हुआ है। अभी जाकर देख ले तुझे कौन सा रूम चाहिए, अगर बाद में तूने कहा इसमें भूत प्रेत है तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं चेक कर लूंगा। ठीक है। हाँ निकाल लिए तावीज, 6 बज गए है ना, जाकर कर ले जा। ए, खाली रूम में कान लगा कर क्या सुन रहा है? तावी डेंजर है। मुझे सब पता चल गया है। क्या? इस रूम के अंदर भगवान बैठे हैं, इस रूम में भूत बैठा है, आप लोग उसमें जाइए। मैं और तुम चुप रहो।
एक चैन। कहाँ जा रही है मेरे पास? अरे क्या कर रहे हो? दरवाजा खुला हुआ है, तो मम्मी पापा देख तो लेंगे। पापा हम भी नहीं आएंगे। एक मिनट रुको। अब क्यों रुकूं मैं? जल्दबाजी मत करो। पता नहीं क्या क्या लेकर आई है ये। और ये क्या है? आपको कभी डर ना लगे उसके लिए हनुमान जी का लॉकेट। हनुमान जी का लॉकेट? तो ये सब किस लिए है? अरे ये बेकार की चीजें हैं, गली गली में मिलती हैं ये सब चीजें, डुप्लीकेट है। ऐसा भी होता है क्या? हाँ। तो इसकी जरूरत नहीं है? ये हनुमान जी के मंदिर में उनके चरणों पर रखकर एक हफ्ते तक पूजा करके लाई गई पावरफुल लॉकेट है। देखो मैंने भी पहन रखी है। हाँ एक बात और, इसे पहनकर तुम मेरे पास नहीं आ सकते। क्या कहा? तुम्हारे पास नहीं आ सकता? मुझे ये नहीं चाहिए। आज एक दिन की तो बात है, समझे? एक ही दिन की बात है ना? सिर्फ आज के दिन की बात है ना? सह लूंगा एक दिन। ठंडा पानी पीना हो तो ऊपर आपको कभी वो पानी नहीं मिलेगा, वो आपको नीचे के फ्रिज में ही मिलेगा। पागलों की तरह नीचे जाओ, सब एक से बढ़कर एक है। क्यों आई है? ओहो, मैं तो सिर्फ पानी पीने के लिए आई थी। पानी ऊपर के फ्रिज में रखना चाहिए था ना, नीचे के फ्रिज में रखने के लिए किसने कहा था? पहले मुझे पानी पीने दीजिए। तू यहाँ पानी नहीं पी सकती, जा। क्यों जी? लगता है आप किसी चीज को देखकर डर गए हैं। मैं किसी चीज को देखकर नहीं डर रहा हूँ। नहीं तो ऐसा लग रहा है कि भूत जैसा। तू क्यों भूत भूत का नाम ले रही है? जा यहाँ से। हे भगवान, इन्हें क्या हो गया? लगता है इस घर में कोई तो है। मैं तो बस अपनी परछाई देखकर ही डर गया था, कोई नहीं है।